नमस्कार, द लाइव इंडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवि शर्मा हूं। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज धर्म स्वातंत्र विधेयक ने अपना मूर्त रूप ले लिया। मध्य प्रदेश के अंदर अब कोई भी बहला फुसला कर, डरा धमका कर, लालच प्रलोभन के द्वारा हमारी बेटियों के साथ छल करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई आज से धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत की जाएगी। और इसलिए वो सब लोग, वो एनजीओ, वो संस्थान जो इस तरह के कृत्य में सहयोग करेंगे, वो भी उस अध्यादेश के अधीन आ गए हैं, उस कानून के दायरे के अंदर आ गए हैं। और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है, इसलिए सब खबरदार हो। उन सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसा कोई भी कृत्य करने की सोचे भी नहीं।